हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उज्ज्वला। आप सभी मेरे इस चैनल में भारत के सभी प्रांतों की डिशेस देखने वाले हैं। तो आप मेरे इस चैनल माय इंडियन किचन, जिससे आपको भारत के सारे प्रांतों की सारी डिशेस एक ही जगह देखने मिलेंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल माय इंडियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू की पीली सब्जी। महाराष्ट्र में ये सब्जी हर जगह बनाई जाती है। हर घर में ये सब्जी हफ्ते में दो बार तो बन ही जाती है। आप तो जानते ही हैं कि उबले हुए आलू में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। इसे खाने से जल्दी पेट भरता है। एक मध्यम आकार के आलू में 365 कैलोरीज होती हैं। बड़ों और बच्चों दोनों को ही ये सब्जी बहुत पसंद आती है, इसलिए हर घर में ये सब्जी बनती है। तो चलिए बनाते हैं आलू की पीली सब्जी। इसके लिए लगने वाली सामग्री है दो उबले हुए आलू बारीक कटे हुए, दो प्याज बारीक कटी हुई, दो मिर्च के टुकड़े बारीक कटे हुए, थोड़ा सा धनिया, कड़ी पत्ते के 4-5 पत्ते, जीरा और राई 1 चम्मच, स्वादानुसार नमक 1/4 चम्मच, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, गार्निशिंग के लिए गीला नारियल और सब्जी के लिए लगने वाला तेल। अब हम बनाने वाले हैं उबले आलू की पीली सब्जी। सामग्री हम देख ही चुके हैं। गैस पर पहले कढ़ाई रख दें, फिर उसमें हमें तेल डालना है 1 से 2 टेबलस्पून। हमें उतना ही तेल डालना है जिससे हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है। तेल डालने के बाद हमें जीरा, राई और कड़ी पत्ता इसमें डालना है। जीरा और राई अच्छे से तड़तड़ाना चाहिए। अच्छे से हमें इसको पका लेना है, तभी ये सब्जी अच्छी बनती है। तेल गर्म हो चुका है, जीरा और राई में डाल रही हूँ। धीरे धीरे तड़तड़ाने शुरू हो गए हैं, उसके बाद ही हम कड़ी पत्ते डालेंगे इसमें। ये तीनों चीजें इसमें अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। राई और जीरा अच्छे से तड़तड़ाना चाहिए, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्रीयन सब्जियां होती हैं, उसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ते का ही छौंक लगता है। उसके बाद हमें हरी मिर्च के टुकड़े डालने हैं। हरी मिर्च के टुकड़े हमें तेल में ही डालने हैं, जिससे उसका जो तीखापन है वो पूरी सब्जी में अच्छी तरह से फैलेगा। ये सब्जी हम कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसलिए हर घर में ये सब्जी जरूर बनाई जाती है। हरी मिर्च अब फ्राई हो चुकी है और छौंक भी तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। इसमें प्याज का अनुपात जो होता है वो आलू के हिसाब से होता है। अगर आप 2 आलू लेंगे तो 2 प्याज लें उसी साइज के, जिससे ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हम इस प्याज में ही अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक, हल्दी, 1/4 चम्मच डालनी चाहिए, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। इसमें एक खास बात है कि प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए तो भी बहुत है। अब ये जो हमने छौंक तैयार किया है, इसी में हम सब्जी डालेंगे, इसीलिए पहले ही इसे अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि आलू उबला हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है। प्याज अच्छी तरह से भून रहा है। अगर पीली की जगह आपको लाल सब्जी बनानी है तो उसमें आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। उबले हुए आलू की सब्जी के साथ लाल मिर्च पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पारंपरिक तौर पर इसमें हल्दी और हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है। प्याज अच्छे से पक गया है, गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है। इसके बाद हम उबले हुए आलू लेंगे, जिसे टुकड़ों में हमने काट लिया है। मैंने आलू डाल दिए हैं। छौंक बनाया है हमने, उसके साथ इन आलूओं को अच्छी तरह से भून लेना है। अब सब्जी अच्छी तरह से भून गई है, आखिर में हम कटा हुआ धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ। सर्व करते वक्त हम धनिया और गीला नारियल ऊपर से डालकर सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है उबले आलू की पीली सब्जी।